कक्षा छः सामाजिक विषय अध्याय तीन नदी घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। आज कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ शहरों में रहते हैं। दोनों जगह के रहन सहन में कुछ अंतर भी है, कुछ समानताएं भी हैं। आप जानते हैं कि 2500 वर्ष पहले भी भारत में नगर थे। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि प्राचीन नगरों का निर्माण आज की तरह होता था। ऐसा उस समय के अवशेष बताते हैं। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? इसका कारण यह है कि वहाँ खेती के लिए पानी आसानी से मिल जाता था, आसानी से अन्न उत्पादन हो सकता था। तो अधिक अन्न उत्पादन के लिए नदियों का होना आवश्यक था, जिससे नगरों का विकास संभव हो गया। और फिर दूसरे व्यापार के लिए भी उस समय जलमार्ग आसान था। साथ ही जो जलमार्ग था उसका व्यापार सस्ता, आसान भी था, सुरक्षित भी था। सन 1921 की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का राज्य था, तो पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष हैं। इस प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला, जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में हैं। भारत में रोपड़ जो पंजाब में स्थित है, कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है, लोथल जो गुजरात में है, और दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है। ये इस सभ्यता से संबंधित पुराने स्थल हैं। इन नगरों की क्या विशेषताएं रहीं? हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजनाओं के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थीं, छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थीं। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं। सड़क के किनारे पक्की नालियां होती थीं। घर की नाली बड़ी नाली से जाकर मिल जाती थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी, ढलान होता था, ताकि पानी आसानी से जा सके। इस खुदाई में भवन निर्माण की क्या स्थिति रही? उत्खनन में कई तरह की बड़ी इमारतें मिलीं। जो इमारतें आयताकार थीं, कई दो मंजिला भी घर थे, कुछ छोटे छोटे भी घर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अन्य स्थलों की खुदाई से पता चला कि हड़प्पा कालीन घरों का, भवनों का निर्माण एक निश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। हर घर के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए होते थे। प्रत्येक घर में रसोई, शौचालय और स्नानागार हुआ करता था। इमारत की दीवार आप चित्र में देख रहे हैं, कितनी ऊंची दीवारें हैं। दीवारें पक्की ईंटों की बनी हैं। इससे पता चलता है कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियां भी रही होंगी। खुदाई में यही पता चला कि अनाज रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम मिले। रहन सहन की जानकारी के संदर्भ में चावल, गेहूं, जौ हड़प्पा निवासियों का मुख्य भोजन थे। ये लोग
दो प्रकार के वस्त्र पहनते थे, एक सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र। और यहाँ के रहने वाले गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तिल, चावल आदि की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, बकरी, भेड़, हाथी, ऊंट आदि पालते थे। देवी देवताओं के विषय में आपने पीछे मूर्ति देखी थी, मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे का सींग बना हुआ है, उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। ये कोई देवता होंगे, संभवतः सिंधवासी इन पशुओं को देवता मानकर पूजते थे। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में धर्म की चार मुख्य विशेषताएं थीं: मातृ देवी की उपासना यानी पूजा, शिव की पूजा, वृक्षों की पूजा और पशु पूजा। ये लोग पत्थर के औजार और हथियार बना लेते थे, उन्होंने धातुओं की चीज़ें बनाना भी सीख लिया था। तांबा और कांसा इनको मिला करके जस्ते का निर्माण कर लेते थे। तो कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघी, उस्तरा वहाँ प्राप्त हुए हैं। ये आश्चर्य की बात तो ये है कि धातु की चीज़ें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका कारण शायद यह था कि तांबा व कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थीं। ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थीं, इसलिए लोग कई औजार पहले की तरह पत्थर के ही बनाते थे। ये सामने चित्र में बैलगाड़ी आप देख रहे हैं, बैलगाड़ी में दो चीज़ छिपी हैं, एक तो पहिया और दूसरा है बैलगाड़ी। उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था। ये जो मूर्ति आप सामने देख रहे हैं, ये सेलखरी की बनाई हुई मूर्ति है। वस्तु विनिमय की क्या स्थिति थी, हड़प्पा सभ्यता के लोग उस समय पैसे कम होते थे, नहीं होते थे, तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को ले देकर व्यापार करते थे। यानी कि हमारे पास कोई वस्तु है, उसकी दूसरे को आवश्यकता है, दूसरे व्यक्ति के पास कोई वस्तु है, इसको हमें आवश्यकता है, तो इस प्रकार वस्तुओं का लेन देन करके इसे बोलते हैं वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। लिखावट, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर संकेत के रूप में लेख लिखे हुए हैं, उनके अक्षर चित्र जैसे लगते हैं और आज भी विद्वान इस लिखावट को पढ़ नहीं पाई। हड़प्पा संस्कृति के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। नगर के 4-5 हज़ार आज से 4-5 हज़ार साल पहले हड़प्पा में नगर बने हुए थे। ये नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे और फिर किसी कारण से नष्ट हो गए, मिट्टी में दब गए। इसका क्या कारण हो सकता है? एक ये भी हो सकता है कि कोई बाढ़ आ गई हो, कोई भूकंप आ गया हो, महामारी फैल गई हो, या किसी ने आक्रमण कर दिया हो, या आग लग गई हो। इन कारणों से ये नगर संभवतः खत्म हुए होंगे। आज इस पाठ का घर से एक बार अध्ययन करेंगे। बड़ी है।